नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में तेजी लगातार बनी है और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पर बैठा है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों क्या है कि किसी भी ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक को जो है कि अवॉइड करते हैं। ऐसे में उस स्टॉक को जो कि वो बाइंग करने से थोड़ा सा क्या है कि मतलब जो कि अवॉइड करते दोस्तों उस स्टॉक को। लेकिन ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी ये कंपनी में इतनी तेजी क्यों है। आज की तेजी की बात करते दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब क्या है कि तेजी तो कंपनी ने आज के दिन एक ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि कंपनी में एक सडनली जो है कि गिरावट होती है आखिरी चरण में और तेजी भी आती है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों इतनी तेजी है दोस्तों, जिससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे और अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए स्टॉक के ऊपर हम आ गए एपीएल अपोलो ट्यूब के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन 2% के आसपास से कंपनी में तेजी है। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये स्टॉक देखा है तो मार्केट के साथ साथ ही जो कि तेजी में देखने को मिला है अपने को। ऐसे में जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों तेजी थी। लेकिन पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक आप इसके जितने भी दिन के चार्ट को देखेंगे ये स्टॉक जो है कि आपको हरे ही निशान में देखने को मिलेगा। 5 दिन को देखेंगे तो 3% 1 महीने की बात करते तो लगभग 9%, अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 10% 10.5%, वाई टू डेट की बात करते हैं तो वाई टू डेट में भी कंपनी लगभग 10.5%, 1 साल की बात करते दोस्तों तो 1 साल में भी कंपनी ने लगभग देखा है तो 45% 46% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की बात करते दोस्तों 5 साल में इकलौता ये स्टॉक दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं कि ये स्टॉक में गिरावट नहीं हुई। दरअसल देखा है तो ये भी कंपनी जो है कि मेटल सेक्टर को ही बिलोंग करती है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है इसको आप एक प्रकार से मोनोपोली बोल सकते हो। बहुत सारे में देखिए दोस्तों क्या है कि मार्केट में कंपटीशन तो है सभी स्टॉक में, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से एज ए कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न के हिसाब से दोस्तों आप इसको मोनोपोली बोल सकते हैं। अगर मैगजीन चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो कंपनी 8.5% के ऊपर का रिटर्न बना के दे दिया है। इस स्टॉक की बात करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे स्टॉक एकदम टॉप पे ही बैठा। दिन की अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो जैसा कि अपने को पता ही था कि यूएस मार्केट जो है कि अपने को कल के दिन ही तेजी देखने को मिला दोस्तों, जो कि देखा जाए तो एक्सपेक्टेड ही था कि आज के दिन मार्केट में तेजी रहेगी। जैसे हम बता जाए दोस्तों तो आज के दिन देखा जाए तो निफ्टी में तेजी और नेक्स्ट की बात करते नेक्स्ट 50 में जो है कि गिरावट अपने को देखने को मिला, कंसोलिडेट आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी तेजी आपसे बताना चाहते हैं कि अगर 1% की तेजी देखेंगे दोस्तों यहां पे मेटल सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में ही देखा जाए तो 1% की तेजी अपने को देखने को मिला है। दूसरा यहां पे देखेंगे तो एक पीएसयू में भी 1% के ऊपर अपने को तेजी देखने को मिला है। अगर हम मेटल सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो अदानी इंटरप्राइज जो कि 2% 2.5% के आसपास, लेकिन सेकेंड नंबर की कंपनी दोस्तों देखा जाए तो मेटल में जो है कि एपीएल अपोलो ट्यूब ही भागा है। ऐसे में थर्ड नंबर वेदांता आता है, इंडालको आता है, सब जो है कि हरे निशान में दोस्तों। लेकिन आपसे बता देते हैं वेल कॉर्पोरेशन जो है कि ये कंपनी अपने को लगभग 4.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों आज के दिन देख सकते हैं कंपनी ने आज ही के दिन हाई लगाया जो कि एरो भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के हाई की बात करते हैं तो ₹1225 का 14 फरवरी 2023 को ये कंपनी हाई लगाती है, जो कि अगर प्राइस की बात करते हैं दोस्तों तो प्राइस भी आप देखेंगे सेम उसी के पास मतलब देखा जाए तो एकदम टॉप पे ही कंपनी बैठी थी। अगर मार्केट ओपन रहता दोस्तों तो और भी कंपनी में तेजी देखने को मिल सकता था। अगर लो की बात करते हैं दोस्तों ये कंपनी 24 फरवरी 2022 को लो भी लगाती है लगभग ₹770 के आसपास। इस स्टॉक में अगर वैल्यूम की बात करते हैं तो वैल्यूम भी अच्छा खासा बना है, लगभग 1 मिलियन के आसपास वैल्यूम बना है। 50% 55% के आसपास जो है कि माल डिलीवरी में उठाया गया है। ऐसा दोस्तों देखिए अपने को क्या है कि कुछ भी जो है कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इन्वेस्टर के साथ मीटिंग जो कि पुराना ही न्यूज़ है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हो तो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखने को मिल चुका है। कंपनी से रिलेटेड अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड भी कुछ इतना खास नहीं, कंपनी जो है कि ₹3.5 के आसपास डिविडेंड पे करती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 31% का स्टेक है, इसमें देखा जाए तो कुछ भी प्लेज नहीं। एपीएल अपोलो ट्यूब की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन देखिए दोस्तों देखिए कंपनी का एक्सपेंसिव स्टार जो है कि आज ही के दिन अपने को देखने को नहीं मिल रहा, कंपनी का एक्सपेंसिव स्टार शुरू से ही है। इस कंपनी की बात करें तो 1.1 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए NSE+BSE पे। और अगर आज वैल्यूम की बात करते हो तो आज ही के दिन इस स्टॉक में एक नया हाई जो है कि मतलब वैल्यूम अच्छा खासा बना है। जैसा कि इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब 1.1 मिलियन के आसपास जो है कि मतलब जो भी है दोस्तों वैल्यूम अभी तक नहीं बना था। हाँ डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज माल अच्छा खासा हर बार उठाया जाता था। इसके पहले ये कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 5 लाख 2 लाख 5 लाख मतलब देखा जाए तो डिलीवरी परसेंटेज या वैल्यूम की बात करते हो तो इतना जो है मतलब बहुत खास जो है कि 1 मिलियन के आसपास जो है कि आज ही बना है 1 मिलियन के। एपीएल अपोलो के चार्ट को भी देखते दोस्तों तो चार्ट भी आप देखेंगे जो है कंपनी का एक इतना वॉलेटाइल नहीं, मतलब क्या वॉलेटाइल तो दोस्तों
भाई पूरे आयरन सेक्टर में जो है कि वोलेटाइल है, मेटल सेक्टर में ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आखिरी क्षण में गिरावट और आखिरी क्षण में ही बाउंस बैक, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर हम बात करते हो तो ये कंपनी करती क्या, तो ये कंपनी स्टील एंड आयरन सेक्टर को बिलोंग करती है। स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, देखा जाए तो 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर कंपनी की बात करते हो दोस्तों इंटरप्राइजेज वैल्यू, मतलब कंपनी आप इसको प्योर डिट फ्री कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरप्राइजेज वैल्यू की बात करें 33,606 करोड़ का है, और मार्केट वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 33,909 करोड़ का है। मतलब कंपनी के पास कुछ कैश भी है। पी की बात करें तो पी देखा है 57 का है, बुक वैल्यू की बात करें 97/100 के आसपास है, पेज रेशियो की बात करें तो 2 के आसपास है, डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। हम अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट भी आप देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं, 2 फरवरी का ही अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो अनाउंसमेंट भी देखा जाए जो है कि वही 6 फरवरी जैसा कि हमने देख लिया NSE की वेबसाइट पर। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो कंपनी का जो है कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं पे किया है। अगर हम फीड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट में न्यूज आए हों जिससे रिलेटेड, देखा जाए दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कुछ भी न्यूज अपने को देखने को नहीं मिली। पॉलिटिक्स दोस्तों करती क्या, जैसा कि हमको बताने की जरूरत है, सभी को पता ही ये कंपनी जो है कि बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है और इंडिया की वन ऑफ लीडिंग प्रोडक्ट कंपनी बनाती है स्टील प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर हेडक्वार्टर की बात करें तो कंपनी का दिल्ली NCR में है। ये कंपनी जो है कि 10 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज, चेन्नई आउट ऑफ ओवर 1500 वैराइटीज कंपनी बनाती है दोस्तों। जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं कंपनी जो है कि MS ब्लॉक पाइप दोस्तों बनाती है कंपनी। उसके बाद जो है कि गलवानाइट ट्यूब, यहाँ पे देखा जाए गलवानाइट ट्यूब दोस्तों, स्ट्रक्चर ERW स्टील, मतलब दोस्तों तमाम जो है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट है। यहाँ पे सोलार प्रोडक्ट भी कंपनी जो है, सोलार प्लांट, ग्रीन हाउस एंड इंजीनियरिंग में भी कंपनी काम करती है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जैसा कि हमने देख लिया दोस्तों। कंपनी की बात करें 18% रेवेन्यू जो है कंपनी के पास देखा जाए तो अपोलो ट्राइकॉट से 15%, अपोलो से जो है कि 18%, 63% दोस्तों स्ट्रक्चरल से कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। अगर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो 50% दोस्तों जो मार्केट शेयर है कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन पाइप से आता है, जो कि आप यहां पे भी देख सकते हैं। अगर ट्राइकॉट की बात करें तो ट्राइकॉट भी कंपनी का अच्छा खासा जो कि 15% जो कि कंट्रीब्यूट करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हो तो कंपनी है इस्टेब्लिश इन पान इंडिया, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है कंपनी का 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है दोस्तों, 50,000+ ज़्यादा जो है कंपनी के पास रिटेलर। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी थोड़ा सा क्या है कि इसके अगर कंपटीटर की बात करते हैं इसके भी बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर है, लेकिन दोस्तों आपसे बता देते आज के दिन इस स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिली। पता है दोस्तों सेल के नंबर देखने को मिले, सेल के नंबर देखा जाए तो इतना कुछ खास जो है कि इंप्रेसिव नहीं देखने को मिले। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि APL जो है कि इसके नंबर थोड़े अच्छे आए भी दोस्तों, और मार्केट को जैसे हमने देखा दोस्तों कि अभी तक इस स्टॉक में जो है कि अपने को गिरावट देखने को नहीं मिली है। कंपनी की बात करते हो दोस्तों तो ये कंपनी एक कंसोलिडेट करने के बाद जो है कि ऊपर चली जाती है। अगर हम कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी आप देख सकते हैं कंपनी का अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे जंप देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का सेम ही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप ही है। अगर हम कंपनी के पीएनएल की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल ग्रोइंग मोड में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में ही है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां हैं स्टील सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों वोलेटाइल किस लिए रहता है दोस्तों, कंपनी के सेल्स या रिजल्ट को लेकर के ही वोलेटाइल रहता है। ऐसे में इस कंपनी भी वोलेटाइल है, हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन दोस्तों बता देते हैं कंपनी का जो सेल्स है लगभग 20-25% के आसपास दोस्तों लॉन्ग टाइम में है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 30% से 50% का दोस्तों लॉन्ग टाइम में है। कंपनी के हम CGR की बात करते हैं तो उस कंपनी का CGR भी आप देखेंगे लगभग 50% का लॉन्ग टाइम में रिटर्न बना के दिया है, और एक साल वाले भी इस कंपनी से मतलब दोस्तों परेशान नहीं, लगभग 45% का रिटर्न बना के दी, जैसा कि हमने देखा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 20-25 के आसपास है। कंपनी में अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी देखा जाए तो 2,500 करोड़ का इसके पास रिजर्व्स है और 1,000 करोड़ का डेट भी है। ऐसे में दोस्तों सबसे ज़्यादा इस स्टॉक में देखा जाए तो FIs के पास होल्डिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं 31%। हाँ, अगर इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों तो प्रमोटर स्टेक को सेल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पब्लिक ने जो है कि बाइंग किया है। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि DIs ने भी कुछ सेल किया है, FIs ने भी कुछ सेल किया, प्रमोटर ने भी दोस्तों इस स्टॉक में सेलिंग किया है। फिर भी देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो है कि पब्लिक जो है कि इस स्टॉक में काफ़ी बुलिश है। मतलब दोस्तों मैं अपने अगर रडार की बात करूँ तो मैं 2 स्टॉक के ऊपर जो है कि हमेशा जो है कि नज़र रखता हूँ, एक तो APL अपोलो ट्यूब की बात करें और दूसरा जो है कि VVL की बात करें। दोस्तों दोनों कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट होती है, दोनों कंपनियों में जो है कि सॉलिड रिकवरी भी हो जाती है। ट्यूब में दोस्तों आज के दिन अपने को तेजी क्यों देखने को मिली, जिससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टर क्या है कि
इंतजार कर रहे दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसा हमने देखा दोस्तों कोई भी अपने को न्यूज नहीं देखने को मिला। जिसने भी पूरा वीडियो को देखा होगा दोस्तों, आपसे हमने जो है बताया दोस्तों, कुछ भी अपने को न्यूज बेस पे नहीं मिला है। आज के दिन के तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन जो है कि मेटल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में जो है कि तेजी देखने को मिला। और दूसरा दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में एक अच्छा वैल्यूम भी बना है। वैल्यूम बनने का मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर स्टॉक हरे निशान में है दोस्तों, तो हरे निशान में अगर वैल्यूम अच्छा बन रहा है दोस्तों, तो स्टॉक में तेजी रहेगी। और रेड जोन में है दोस्तों और अच्छा वैल्यूम बन रहा है, मतलब दोस्तों आपसे बताते हैं कि स्टॉक में गिरावट होगी। ऐसा दोस्तों इस स्टॉक में देखा है तो लगभग 60% 55% के आसपास माल भी डिलीवरी में उठाया गया, जो कि एक देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव साइन है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं दोस्तों कि अभी हमको बाइंग नहीं करना चाहिए। मैं दोस्तों आपसे बताना चाहता हूँ कि आप इस स्टॉक को किसी भी प्राइस पर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक की बताना चाहते दोस्तों, इस स्टॉक का अगर आप चाल देखेंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट, इसके पहले स्टॉक नहीं चल रहा था, उसके बाद तेजी आती है। फिर दोस्तों मतलब ये स्टॉक कई बार जो है कि गिरावट अप्स एंड डाउन्स के साथ ही ऊपर जाता है। और कई बार दोस्तों आप इसके अगर चार्ट को भी देखेंगे लॉन्ग टाइम में, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, गिरावट तो होता है, कंसोलिडेट करता है उसी प्राइस के अंदर ऊपर नीचे रहता है दोस्तों। लेकिन आपसे बता देते हैं कि सॉलिड इसी स्टॉक में रिकवरी रहती है। तो जो रिटेस्टर इसी स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट है दोस्तों, तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1150 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये स्टॉक एक दिन देखा जाए तो 1500 के लेवल को भी टच कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।